नमस्कार, हेलो, आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले वीडियो में हमने वाराणसी के घाटों के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी थी। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वाराणसी शहर के कुछ प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। वाराणसी भारत का एक प्राचीन शहर है जो कई मंदिरों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी के इतिहास में कई सारे मोनेस्ट्रीज, कम्युनिटीज, राजाओं और संतों द्वारा अलग अलग समय में इस शहर के मंदिर बनाए गए थे। यह शहर ऐतिहासिक और नवनिर्मित हिंदू मंदिरों के सबसे बड़े संग्रह में से एक है। वाराणसी को भगवान शिव के फेवरेट शहर के रूप में भी जाना जाता है। तो अब हम वाराणसी के कुछ शिव मंदिरों के बारे में जानकारी देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर ये सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर सबसे अधिक पूजा जाने वाला शिव मंदिरों में से एक है और इसका उल्लेख काशी खंड साहित्य पुराणों में किया गया है। इस मंदिर को पिछले 800 सालों में कई बार नष्ट करके वापस बनाया गया है और इसके करंट स्ट्रक्चर को 18 सेंचुरी में बनाया गया है। काल भैरव मंदिर वाराणसी के मेन पोस्ट ऑफिस विशेषरगंज के पास एक प्राचीन मंदिर है। भगवान काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके अनुमति के बिना कोई भी काशी में नहीं रह सकता। इसके बाद भगवान शिव का मृत्युंजय महादेव मंदिर दारानगर से काल भैरव जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर के बगल में ही धार्मिक महत्व का एक कुआं है। इसका पानी कई अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स का मिश्रण कहा जाता है और कई बीमारियों का खात्मा करने के लिए अच्छा माना जाता है। और न्यू विश्वनाथ मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है, ये मंदिर मुख्य रूप से बिरला फैमिली द्वारा फंड किया जाता है। यह मंदिर पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया था। मदन मोहन मलविया द्वारा प्लान किया गया ये मंदिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस का हिस्सा है। श्री विश्वनाथ मंदिर के परिसर में टोटल 9 मंदिर स्थित हैं, जैसे कि विश्वनाथ मंदिर, नटराज मंदिर, माता पार्वती मंदिर, गणेश मंदिर, माता सरस्वती मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर, हनुमान मंदिर और नंदी मंदिर इत्यादि का समावेश है। श्री तिलबंडेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी के पुराने मंदिरों में से एक है, जो बंगाल टोला इंटरनेशनल कॉलेज के पास और मदनपुरा की प्रसिद्ध वीवर्स कॉलोनी के पास स्थित है। फिर आता है नेपाली मंदिर, जो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। इस मंदिर को काठवाला मंदिर और मिनी खजुराव भी कहा जाता है। और रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक लीनिंग मंदिर है और इस मंदिर का निचला हिस्सा ज़्यादातर टाइम नदी में डूब जाता है। दुर्गा कुंड मंदिर का आर्किटेक्चर नगारा स्टाइल का है। इस मंदिर में एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसे दुर्गा कुंड कहते हैं। इस मंदिर में मल्टी टायर्ड स्पायर्स हैं और ये गेरू के लाल रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और लाल रंग दुर्गा माता का प्रतिनिधित्व करता है। हर साल नाग पंचमी के अवसर पर भगवान विष्णु को रहस्यमय सांप या शेष पर चित्रित करने का कार्य कुंड में फिर से दिखाया जाता है। फिर संकटा देवी मंदिर, जो सिंधी घाट पर स्थित है, ये गॉडेस ऑफ रेमेडी यानी कि उपाय की देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के परिसर के अंदर शेर की एक विशाल मूर्ति है। इसके बाद ललिता देवी मंदिर, जो देवी ललिता गौरी को समर्पित है। फिर आता है अन्नपूर्णा देवी मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है। अन्नपूर्णा देवी मतलब अन्न की देवी ऐसा माना जाता है और ये देवी को काशी पुरदेश्वरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब है क्वीन ऑफ काशी यानी काशी की रानी।
इसके बाद विशलक्ष देवी का मंदिर भी वाराणसी में स्थित है। और फिर संकट मोचन मंदिर जो हनुमान भगवान को समर्पित है, और ये मंदिर कई वार्षिक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का स्थान है। वाराणसी में शिव मंदिरों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु को भी समर्पित है, जैसे कि आदिकेशवा मंदिर जो वाराणसी के आदिकेशवा घाट पर स्थित है, और ये वो जगह है जहाँ वरुणा नदी गंगा नदी से मिलती है। और फिर अंत में विष्णु मंदिर जो मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, अन्य वीडियोस चेक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।